तो यहाँ पर सिल्वर के अंदर तो है यहाँ पर हमें तेजी देखने को मिल चुकी है, हल्का खासा जो है यहाँ पर कॉन्सेंट्रेशन भी देखने को मिल रहा है। बट यहाँ पर गोल्ड के फ्यूचर्स के अंदर जो है एक अच्छी खासी जो तेजी है वो यहाँ पर हमें देखने को मिल चुकी है। अगर यहाँ पर डेली बेसिस के हिसाब से भी देखते हैं तो एक अच्छा खासा जो मोमेंटम है वो तो यहाँ पर ब्रेक हुआ ही है, और एक तरह से देखते हैं तो एक अच्छे खासे हाई प्राइस पर 61,855 के अराउंड जो यहाँ पर हमें ट्रेड होते हुए देखने को मिल रहा है। अगर यहाँ पर आप थोड़ा बहुत रिस्क ले सकते हो तो यहाँ पर जो है आप फिर से जो है लॉन्ग पोजीशन यहाँ पर जो है यहाँ से भी बनाना चाहो तो बना सकते हो। रिस्क एपेटाइट डेफिनेटली थोड़ा बहुत हाई रह सकता है, बिकॉज फॉर अ टाइम बिंग सपोर्ट लेवल जो है यहाँ पर मिलना जो है काफ़ी थोड़ा बहुत मुश्किल हो सकता है, बिकॉज आवरली बेसिस के हिसाब से भी यहाँ पर जो 61,700 का जो प्राइस लेवल है वो तो यहाँ पर ब्रेक किया हुआ ही है। बट उसी के बावजूद भी अगर यहाँ पर जो है वॉलिटिलिटी ब्रेक हुई है तो लॉन्ग पोजीशन के लिए एक अच्छा सा संकेत है। 61,690 के प्राइस पॉइंट के नीचे अगर यहाँ पर कैंडल जो है यहाँ पर स्टार्ट करती है बिलो दैट प्राइस लेवल, अगर यहाँ पर जो है जाना स्टार्ट करती है तो यहाँ पर हम जो है शॉर्ट पोजीशन बनाने का सोच सकते हैं। सो होप करता हूँ कि वीडियो आपके लिए इन्फॉर्मेटिव रही होगी और यहाँ पर ट्रेडिंग के हिसाब से मददगार रही होगी। वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक शेयर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। थैंक यू।